Hello students, today we are going to deal with the summary of my greatest Olympic prize and it was written by Jess Owens. So ये chapter personally मेरी favorite chapter है because इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे. For example about friendship, team spirit, cooperation and many such things. So let's start with the summary. So हम ये पूरी chapter की summary हिंदी में करेंगे, we'll be dealing line by line. So let's start with it. सबसे पहले introduction. सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज थिंग्स. स्क्रीनशॉट लेते जाओ या फिर यू कैन नोट देम डाउन. सो इस चैप्टर को लिखा था, इस स्टोरी को लिखा था जेस ओवेंस ने. और ये फ्रेंडशिप ट्रू, आई मीन ये जो स्टोरी है ये ट्रू फ्रेंडशिप के बारे में है, ट्रू स्टोरी है. और ये फ्रेंडशिप के बारे में है, किसके बीच में फ्रेंडशिप थी, जेस ओवेंस और लज लॉन्ग की फ्रेंडशिप के बारे में है, जो दो फेमस एथलीट्स थे उनके बीच की फ्रेंडशिप. सो ये स्टोरी में हम क्या देखते हैं कि ये जो स्टोरी थी ये ओलंपिक गेम्स के बारे में रिलेट करती है, जो कि बर्लिन में हुआ था 1936 में. सो यू कैन नोट दिस पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप क्वेश्चन आंसर में इसको मेंशन कर सकते हो एंड दिस मच इज़ ऑल एनफ. नेक्स्ट, सो ये समर की बात है 1936 में, जब ओलंपिक गेम्स हुआ था बर्लिन में. सो हिटलर ने जर्मनी, हिटलर की क्या सोचती, हिटलर सोचता था कि उनका रेस मास्टर रेस है. वो आर्यन सुपीरियॉरिटी थ्योरी में बिलीव रखता था और वो मानता था कि उनका रेस सबसे ज़्यादा सुपीरियर है और इस समय नेशनलिस्टिक फीलिंग्स पीक पे थी. उसके बाद फिर लज लॉन्ग को इस बात से उतना कुछ, वो इस बात से वर्ड नहीं थे. उन्होंने बहुत सारे महीने, बहुत 6 साल, ऑलमोस्ट 6 साल उन्होंने ट्रेनिंग में बिताई थी. उन्होंने खुद को तैयार किया, उन्होंने खुद को कड़ी मेहनत के बाद खुद को तैयार किया, डिसिप्लिन किया, गेम्स को दिमाग में रखते हुए अपने दिमाग को, अपने माइंड को, अपने बॉडी को ट्रेन किया. और जब वो बोट में जा रहे थे उस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने को, तो उनके दिमाग में ये था कि वो 2 से 3 गोल्ड मेडल से ज़रूर जीत कर लेकर जाएंगे. और उनका उनका मोस्टली उनका एम था कि वो लॉन्ग जंप में कुछ अच्छा कर सके. एक साल पहले उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था, सो उसका फिगर यहाँ पर मैंशनड है. ओके, सो यू कैन लर्न दिस, ये क्वेश्चन आंसर में आपका काम आ सकता है. तो उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था वो चाहते थे कि वो इस रिकॉर्ड को तोड़े. एंड बाकी लोग का यही एक्सपेक्टेशन था कि वो, बिकॉज उन्होंने लास्ट ईयर इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया था, इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया था, तो शायद वो इस साल जीत कर ही आएंगे. सो वो सरप्राइज हो जाते हैं. किस बात से सरप्राइज हो जाते हैं? वो सरप्राइज हो जाते हैं कि एक लड़का, एक टॉल लड़का, वो अपने प्रैक्टिस राउंड में ही, प्रैक्टिस जंप्स में ही 26 फीट उसने क्रॉस कर लिया आसानी से. सो वो सोच रहे थे कि इसने बस प्रैक्टिस में ही इतना लंबा जंप ले लिया. एंड देन वो एक जर्मन था जिसका नाम था लज लॉन्ग. लोग कहते थे या फिर उन्हें ये पता चला था कि हिटलर ने उसे रखा है टू प्ले लाइक टू रिप्रेजेंट जर्मनी. जर्मन्स के तरफ से वो लड़ रहा था या फिर खेल रहा था, हिटलर ने उसे रखा था. सो आई गेस दैट इफ लॉन्ग वन, इट वुड ऐड सम न्यू सपोर्ट टू नाजी आर्यन सुपीरियॉरिटी थ्योरी. दैट मीन्स उनका ये कहना था, जेस ओवेंस का, कि अगर लज लॉन्ग जीतता है तो इससे हिटलर का जो बिलीफ है वो और ज़्यादा पक्का हो जाएगा. आफ्टर ऑल आई एम अ निग्रो. तो वो कहते हैं कि आखिरकार मैं एक निग्रो हूँ, तो डेफिनेटली मैं हिटलर के तरीकों से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो डेफिनेटली मुझे गुस्सा आता है. हिटलर की बातों से मुझे गुस्सा आता था. एंड देन आई डिटरमाइंड टू गो आउट देयर एंड रियली शो डे फुरेर एंड हिज मास्टर इज हु वाज सुपीरियर एंड हु वाजंट. तो मतलब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं हिटलर के तरीकों से, हिटलर की बातों से मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और मैं ये चाहता था, मैं ये डिटरमाइंड था इस बात के लिए कि मैं जाके हिटलर को दिखाऊं, फुरेर दैट मींस लीडर, उस लीडर को जाके दिखाऊं कि मैं कि सुपीरियर कौन है और इन्फीरियर कौन है. तो ये बात यूजुअली सारे कोच अपने प्लेयर्स को, अपने अपने स्पोर्ट्स पर्सन को ये बताते हैं कि एक ऐसा एथलीट जो कि गुस्सा होता है उससे गलतियाँ होना स्वाभाविक है या फिर वो गलतियाँ कर सकता है. सो डेफिनेटली जेस ओवेंस भी कोई एक्सेप्शन नहीं थे, वो भी गुस्से में थे. सो ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप्स, दैट मीन्स उनका स्टार्टिंग का जो जंप्स था उसमें उन्होंने बहुत सारे फाउल जंप किए और सेकेंड वाला जंप भी उनका फाउल हो गया था. क्लियर है? ऑन द सेकेंड जंप्स आई फाउल इवन वर्स. इसके बाद वो कहते हैं कि क्या मैं यही करने के लिए, यही फाउल्स के लिए मैं इतने दूर 3000 माइल्स क्रॉस करके मैं यहाँ पे आया हूँ, वो बहुत गुस्से में बोलते हैं. उसके बाद वो बोलते हैं कि इतना सारा फाउल्स मैं ट्रायल्स में कर रहा हूँ, दैट मीन्स क्वालिफाइंग राउंड में मैं कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं खुद का ही मजाक बना रहा हूँ इस तरीके से.
वॉकिंग अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पेड आई किक डिस्गस्टली एट द डर्ट, दैट मीन्स कुछ दूर चलने के बाद वो क्या करते हैं, पिट दैट मीन्स जहाँ जो गड्ढा होता है जहाँ पे जंप करके उन्हें लैंड करना पड़ता है मोस्टली, तो उसके थोड़ा आगे वो जाते हैं और वो कीचड़ पे जाके जोर से किक करते हैं। फिर अचानक से वो देखते हैं कि उनके पीछे उनके शोल्डर पे कोई हाथ रखता है। जब वो मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि ब्लू आँखों वाला एक लंबा सा जर्मन है जो कि जंपर है, दैट मीन्स वो भी लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट कर रहा था और वो आसानी से अपने फाइनल्स में भी क्वालिफाई कर सकता था, फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकता था। ऑलरेडी आपको बताया गया है कि वो 26 जस्ट लेट मी रिपीट इट, 26 फीट तो वो आसानी से अपने ट्रायल्स में दैट मीन्स क्वालिफाइंग राउंड्स में कर रहा था, तो डेफिनेटली वो आसानी से क्वालिफाई कर सकता था। तो वो क्या करता है, वो हैंडशेक करता है जेस ओवेंस के साथ। तो जेस ओवेंस को वो कहता है कि जेस ओवेंस मैं लेस लॉन्ग हूँ, मुझे पता है कि हमने अभी तक एक बार भी हम पहले इससे पहले हम कभी मिले नहीं है। वो इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता था बट यस उसके इंग्लिश में थोड़ी जर्मन ट्विस्ट थी। उसके बाद जेस ओवेंस कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुमसे मिलकर। उसके बाद वो अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए बोलते हैं कि तुम कैसे हो। तो फिर जेस ओवेंस को वो लेस लॉन्ग कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन क्वेश्चन ये है कि तुम कैसे हो। तो फिर जेस ओवेंस कहते हैं कि तुम्हारे से क्या मतलब है। उसके बाद लेस लॉन्ग कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कि तुमको खाई जा रही है, जो तुमको परेशान कर रही है। उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम आसानी से अपनी आंखें बंद करके इस क्वालिफाइंग राउंड में क्वालिफाई हो सकते थे या हो सकते हो, तुम कर सकते हो आसानी से अपनी आंखें बंद करके भी तुम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। तो फिर जेस ओवेंस कहते हैं कि हाँ मेरा विश्वास करो मैं कर सकता हूँ, और उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी ये बात किसी से कहकर। फॉर द फ्यू नेक्स्ट मिनट्स वी टॉक टुगेदर, दैट मीन्स कुछ देर के लिए वो लोग बात करते हैं। तो वो जेस ओवेंस यहाँ पे बताते नहीं है कि उन्हें क्या चीज़ खाई जा रही है, उन्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है, बट लेस लॉन्ग समझ चुके थे कि कौन सी चीज़ उन्हें गुस्सा कर रही है या फिर किस बात से वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और उसके बाद फिर क्या होता है, ऑल दो ही हैड बीन स्कूल्ड इन द नाजी यूथ मूवमेंट, दैट मीन्स जो लेस लॉन्ग थे जो कि वो नाजी यूथ मूवमेंट, वो ऐसे स्कूल में उनकी स्कूलिंग हुई थी जहाँ पे नाजी यंग मूवमेंट चल रही थी, राइट, ये मूवमेंट थी, लेकिन तभी भी वो विश्वास नहीं रखते थे किस बात पे, किस बिलीफ पे, आर्यन सुप्रीमेसी पे उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि जर्मन्स सुपर रेस है या फिर मास्टर रेस है या फिर आर्यन रेस सबसे बड़ी रेस है, सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। एंड वो दोनों हंसते हैं हिटलर के इस बिलीफ पे। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे फिर जेस ओवेंस डिस्क्राइब करते हैं उस एथलीट के बारे में कि उस वो थोड़ा सा लंबा था उनसे, ही वॉज लीन मस्क्यूलर फ्रेम, ओके, क्लियर ब्लू आइज, ब्लॉन्ड हेयर एंड स्ट्राइकिंगली हैंडसम चिसल फेस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इतना याद कर लो ताकि जब उनके बारे में डिस्क्राइब करने को दिया जाए तो आप आसानी से ये सारी चीज़ों को लिख सको। तो या तो आप इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लो या फिर लाइक सेम जो भी है आप इसको लर्न कर लो ताकि आप इसको कोट कर सको। सो एज पर योर विश आई सजेस्ट कि आप इसको लर्न कर लो एज इट इज़ ताकि आप आसानी से कोट भी कर सकोगे। फाइनली सीइंग दैट आई हैड काम डाउन समवॉट, दैट मीन्स वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, लेस लॉन्ग काउंट पॉइंट करते हैं किस तरफ, उस टेक ऑफ बोर्ड की तरफ। उसके बाद वो कहते हैं कि देखो, फिर वो कहते हैं कि जो जहाँ से तुम्हें टेक ऑफ करना है उसके कुछ इंचेस पीछे तुम एक लाइन ड्रॉ करो और आसानी से तुम वहाँ से टेक ऑफ कर पाओगे और तुम फाउल भी नहीं करोगे एंड डेफिनेटली तुम आसानी से क्वालिफाई भी कर पाओगे। फिर वो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम सबसे ज़्यादा अगर डिस्टेंस कवर नहीं कर पाए तो, सबसे लॉन्ग जंप अगर नहीं कर पाए तो, क्योंकि फाइनल जो गेम है वो तो कल होने वाली है। सडनली ऑल द टेंशन सीम टू एब अवे ऑफ माई बॉडी एज द ट्रूथ ऑफ वॉट ही सेड हिट मी। तो इस बात से सीरियसली जेस ओवेंस को बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है, वो समझ जाते हैं कि एग्जैक्टली उनकी क्या गलती थी। कॉन्फिडेंटली आई ड्रू अ लाइन अ फुट बैक इन द बैक ऑफ द बोर्ड, दैट मीन्स एग्जैक्टली वो वही करते हैं जो लेस लॉन्ग उन्हें सजेस्ट करते हैं और फिर वो आसानी से क्वालिफाई भी कर जाते हैं। उसके बाद उस रात को जेस ओवेंस जाते हैं लेस लॉन्ग के रूम में उस ओलंपिक विलेज में ताकि वो उनको थैंक कर सके। आई न्यू दैट मीन्स यहाँ पे वो कहते हैं कि उन्हें पता है कि अगर लेस लॉन्ग नहीं होता, लेस लॉन्ग उन्हें उनके साथ नहीं होता तो शायद वो ये फाइनल्स में नहीं जंप कर रहे होते। फिर वो उसके क्वार्टर में जाता है और फिर दोनों बहुत देर तक 2 घंटे तक बैठ के बात करते हैं। मोस्टली वो स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, अपने अपने तरीके, टैक्टिक्स, टिप्स,
ट्रिक्स जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में वो डिस्कस करते हैं, फिर वर्ल्ड सिचुएशन बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में वो लोग बात करते हैं। फिर फाइनली जस ओवेंस वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो अब जाके उन्हें रियलाइज़ होता है कि सचमुच इनके बीच की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी, बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो गई थी। ओके अब लेस लॉन्ग को जस ओवेंस के खिलाफ लड़ना था ताकि वो उससे हरा सके, लेकिन यहाँ पे जो लेस लॉन्ग था वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि जस ओवेंस अपना बेस्ट दे, और शायद वो ये भी चाहता था कि जस ओवेंस जीत जाए। एज इट टर्नड आउट लस ब्रोक हिज ओन पास्ट रिकॉर्ड, दैट मीन्स वो खुद का पास्ट रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ओके ही पुश्ड मी ऑन टू अ पीक परफॉर्मेंस, और वो बिकॉज वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं कि जस ओवेंस भी अपना पीक यानी कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और वो अपना पास्ट रिकॉर्ड भी तोड़ देते हैं। तो वो अपना न्यू रिकॉर्ड क्या बनाते हैं, दिस इज द न्यू फिगर और द न्यू रिकॉर्ड विच ही मेड, क्लियर है। उसके बाद फिर जस ओवेंस को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं लेस लॉन्ग, उनके पास आके उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर साइड में हिटलर जो खड़ा था, साइड में कुछ 100 yards अवे जो खड़ा था हिटलर, वो उन्हें देख के बहुत ज़्यादा गुस्सैल नज़रों से देख रहा था, लेकिन लेस लॉन्ग उनके साथ हैंडशेक करता है और वो स्माइल दे रहे थे। बट एक्चुअली जो वो स्माइल दे रहे थे वो कोई फेक स्माइल नहीं थी, ऐसा नहीं था कि वो किसी टूटे हुए दिल से, दैट मीन्स वो दिखावा के लिए स्माइल दे रहे हों कि उन्हें अंदर से बुरा लग रहा है कि वो हार गए, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक्चुअली खुश थे क्योंकि वो चाहते थे कि लेस लॉन्ग ये चाहते थे कि जस ओवेंस जीत जाए। सो यहाँ पे जस ओवेंस बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट देते हैं, वो कहते हैं कि तुम अगर मेरा सारा गोल्ड मेडल्स कप सारे ट्रॉफीज जितने भी हैं मेरे पास सबको मेल्ट करो, तो जो तुम्हें जितना गोल्ड मिलेगा उससे ज़्यादा प्योर मेरी 24 कैरेट फ्रेंडशिप है। ओके 24 कैरेट दैट मीन्स उससे ज़्यादा प्योर मेरी फ्रेंडशिप है, मेरी जो फ्रेंडशिप है उतनी मेरी पूरी फ्रेंडशिप को, दैट मीन जितनी ज़्यादा गहरी मेरी फ्रेंडशिप है वो फ्रेंडशिप को भी वो गोल्ड प्लेट नहीं कर पाएगा, वो इतनी सफिशिएंट नहीं है। दैट मीन्स इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है लेकिन तभी भी हमारी फ्रेंडशिप की जो गहराई है उसे वो कवर नहीं कर पाएगा, उसे वो प्लेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि मुझे सीरियसली ये बात अभी जाके रियलाइज़ हुई हमारी फ्रेंडशिप से कि जो ओलंपिक गेम का असली मोटो क्या होता है, कि हम ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करें मोर देन विनिंग, हम जीते या हारे वो डिपेंड नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ लाइफ में क्या होती है कि हम लाइफ में स्ट्रगल से जीते, दैट मीन स्ट्रगल से जीते या हारे वो मैटर तो नहीं करता, बट हम स्ट्रगल से लड़े, हम स्ट्रगल करते रहे लाइफ में, जो भी हमारे पास मुसीबतें हों हम वो सारी चीज़ों का सामना करें, जैसे कि जेठालाल कैसे करता है अपनी सारी तपलीक का कैसे वो सामना करता है, राइट, वो सारी अपनी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करता है। सो मतलब ये बस एक एग्जांपल है, ये दिस इज़ जस्ट फॉर ह्यूमर। सो लाइक हमें भी अपने लाइफ में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, एंड दिस इज़ व्हाट व्हिच लाइक स्ट्राइक्स मी और व्हिच लाइक जो हमेशा मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कि लाइफ में मैं कोई भी स्ट्रगल का सामना कर पाऊँ। सो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई लाइक दिस स्टोरी अलॉट। सो गाइज दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समरी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, एंड डेफिनेटली आई होप आपको आपको ये पूरी चैप्टर भी समझ में आई होगी। सो विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर एंड वेरी सून, एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू यू गाइज कि जल्दी से आप अपना वैक्सीनेशन करा लो, इट्स गुड फॉर यू एज वेल एज फॉर द कंट्री, सो प्लीज़ डू इट एसेप, एंड टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।